फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, आप अपने फोन में किसी भी मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, जिससे फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है, आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर में काफी सारे क्लाउड ऐप, स्टोरेज ऐप अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका ये होता है, आप अपने फोन से फालतू का डेटा हटा देंगे तो आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं तीसरे तरीके के जरिए, यानी कि फोन से फालतू का डेटा हटा के आप फोन का स्टोरेज कैसे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग देखने को मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है। अगर आपकी ये बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग को बंद रखना है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को मैं इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे हमारे फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी जल्दी फुल हो जाता है। तो इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक काम आपको अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप है, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपको अगला काम करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको जो है ना, नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होता है फैक्ट्री डेटा और रीसेट का, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा और रीसेट पे टैप करेंगे तो आपको अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जो भी काम का डेटा, जो आपका जरूरी डेटा है, सिर्फ वही डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना है, या फिर आपको उस डेटा का अपने फोन में बैकअप ले लेना है। फालतू का डेटा फोन में ऐसे छोड़ देना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, ठीक है।